आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया एकदम आपको हम सिखा देंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में पहले प्रकार पर जो फोकस डालने वाले हम लोग वो है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया यानी कि इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, जैसे आप समझिए कि आपके पास ए एक पदार्थ है, ठीक, और एक बी पदार्थ है, और ये दोनों मिल जाए, मतलब ए प्रकार का पदार्थ और बी प्रकार का पदार्थ दोनों मिल करके सिर्फ एक प्रकार के पदार्थ सी बना ले, ठीक ना, तो इसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे और भी ले लीजिए, मान लीजिए ए प्रकार का पदार्थ था, बी प्रकार का था, सी प्रकार का था, और इसमें ये तीनों मिल करके सिर्फ डी प्रकार का उत्पाद बना ले, ठीक है। और भी ले लीजिए ए बी सी, आप चार अलग अलग पदार्थों को मिला लीजिए और मिल करके सिर्फ ई प्रकार के उत्पाद बनाएंगे, उसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन, संयोजन मतलब मिलना और मिल करके सिर्फ एक प्रकार का बनाना। जैसे देखिए ये दो पदार्थ मिले एक प्रकार का उत्पाद बनाए, ये तीन पदार्थ मिले एक प्रकार का उत्पाद बनाए, ये चार पदार्थ मिले एक प्रकार के उत्पाद बनाए, ठीक है। अगर इसको आप अच्छे से देख लेंगे तो रिएक्शन को लाइफ में भूलिएगा नहीं, पक्का बता रहा। तो आप इसी आधार पर बनाए यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अथवा दो से अधिक प्रकार के पदार्थ आपस में मिलकर के सिर्फ एक ही प्रकार के उत्पाद बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या मैं बता, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अथवा दो से अधिक प्रकार के पदार्थ आपस में मिलकर केवल एक ही प्रकार के उत्पाद बनाते हैं या एक ही प्रकार के नया पदार्थ बनाते हैं उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। यानी कि क्या लिख सकते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अथवा दो से अधिक प्रकार के पदार्थ मिलकर केवल एक प्रकार के उत्पाद बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे यानी कि अब उदाहरण, जैसे उदाहरण दे सकते हैं बच्चे, उदाहरण जैसे देखिए धावन सोडा के जलीय विलयन में, धावन सोडा को जलीय विलयन में घोल लीजिए, मतलब Na2CO3 को जल में घोल करके उसमें CO2 गैस प्रवाहित करिएगा तो आपको बेकिंग सोडा प्राप्त होगा, NaSO3 बैलेंस करने के लिए दो से गुणा कर दीजिए। ये देखिए संयोजन अभिक्रिया की, इसमें यहां देखिए तीन प्रकार के अलग अलग पदार्थ मिले, जैसे ये देखिए एक दो तीन, और मिल करके एक ही प्रकार का उत्पाद बना, इसको क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया।
इसका हिंदी लिखना चाहते लिख सकते हैं कि धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है, ठीक ना, या खाने की सोडा प्राप्त होता है। मान लो पहला उदाहरण, दूसरा उदाहरण। अब जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया अमोनिया से कराती है, मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड की क्रिया अमोनिया से जब कराइएगा तो नौसागर बनता है। नौसागर मतलब NH4Cl, नौसागर बनता है, ठीक ना। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, और भी एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक ना, बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। तीसरा, जैसे बिना बूझा चूना को, बिना बूझा चूना तो आप लोग देखे होंगे जो घरों में पोताई करने के लिए जो मार्केट से बाजार से खरीद के ले जाते हो, फिर उसको पानी में डालते हो, फिर उस उबलने जो लगता है, तो जो मार्केट से खरीदे जो चूना ले आते हैं वो बिना बुझा चूना होता है, और जब पानी में आप डाल देते हैं तो बुझा चूना बन जाता है। तो बिना बुझा चूना को अब जल में डालिएगा तो क्या बनेगा, बुझा चूना बनेगा, क्या बनेगा, बुझा चूना बनेगा, साथ में उष्मा भी बनेगा, ऐसा बात नहीं है, बहुत ज्यादा मात्रा में उष्मा बनता है। तो ये देखिए ये कौन अभिक्रिया है, सब संयोजन है, संयोजन का मतलब मिल करके सिर्फ दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके सिर्फ एक प्रकार के पदार्थ, इसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया समझ में आ गया। उसके बाद देखते हैं वियोजन अभिक्रिया, क्या देखते हैं, वियोजन। अभी हम लोग संयोजन पढ़े थे, वियोजन, वियोजन मतलब तोड़ना, वियोजन डी कंपोजिशन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि डीकम्पोजिशन, देखो वियोजन, वियोजन मतलब तोड़ना। जैसे आपके पास ए नाम का एक पदार्थ था, आप इसको गर्म कर दीजिए, दबा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, ठीक ना, अभी क्या करें कि बहुत सारा मतलब बी प्लस सी प्लस डी प्रकार के पदार्थ जुट गया, ठीक ना। अब जैसे बी एक पदार्थ था, उसको आपने गर्म किया, इसमें उत्प्रेरक मिला दिया, तो क्या हुआ कि देखिए ये हो गया, मान लीजिए ए प्लस बी प्लस ए प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्रकार के पदार्थ जुड़ गया, इसको कहते हैं वियोजन। वियोजन का मतलब होता है ए को बड़ा वस्तु टूट करके छोटे छोटे वस्तु बना, ऐसे तो यहाँ पे एक पदार्थ टूट करके मतलब जो है दो प्रकार के पदार्थ बनाए या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ बनाए, तो इसको कहते हैं वियोजन। बस इसी को अपने दिमाग में रख लो बेटा, कहीं लाइफ में नहीं भूल सकते हो, एक भी डिफिनेशन पक्का बता, बस इसको रख लो दिमाग में कि आप सी नामक पदार्थ है बी प्लस ए में टूट गया, इसको रखो, यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक प्रकार के उत्पाद बनाता है, उसको क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ, एक प्रकार के पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक प्रकार के उत्पाद बनाता है, तो उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। इसकी डिफिनेशन लिख सकते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक एक प्रकार के पदार्थ टूटकर दो अथवा दो से अधिक, दो अथवा दो से अधिक प्रकार के उत्पाद बनाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। डिफिनेशन में आ गया, यानी कि वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अब उदाहरण ले लीजिए, जैसे बेकिंग सोडा को NaSCO3 को बेकिंग सोडा को गर्म कर दीजिए, बेकिंग सोडा को क्या कर दीजिए, गर्म कर दीजिए,
जब बेकिंग सोडा को गर्म कर दिएगा तो ये धावन सोडा मतलब Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO में अपघटित हो जाएगा। इसको कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। एक प्रकार का पदार्थ टूटा और तीन प्रकार के पदार्थ बना दिया। बैलेंस करने के लिए यहां आप दो से गुणा कर दीजिए, रिएक्शन बैलेंस हो गया। दो सोडियम, दो हाइड्रोजन, दो कार्बन, एक कार्बन यहां, एक कार्बन यहां, ऑक्सीजन 3, 2, 6, 3, 4 और 2, 6। इसको कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। अब जैसे और भी ले सकते हैं, वियोजन मतलब ये ध्यान रखना बाबू कि टूटना, एक प्रकार का पदार्थ टूटेगा तो अनेक प्रकार के पदार्थ बना लेगा, तो उसको कहते हैं वियोजन। अब जैसे CaCO3 ये क्या है, संगमरमर चूना पत्थर खड़िया ऐसे यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, जब इसको गर्म करिएगा तो ये CaO ऐसे CaO प्लस CO2 में क्या हो जाएगा, अपघटित हो जाएगा। ये है वियोजन अभिक्रिया। बहुत सारा आप ले सकते हैं एग्जांपल, ऐसे बहुत सारा एग्जांपल, जैसे नौसागर वाला भी ले सकते हैं। नौसागर को गर्म कर दो, ये तुरंत टूट जाएगा, HCl प्लस NH3, ये क्या है वियोजन अभिक्रिया। ऐसे क्या है वियोजन अभिक्रिया, तो ये चीज समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं वियोजन अभिक्रियाओं के प्रकार, किस पर चलते हैं बाबू, वियोजन अभिक्रियाओं के प्रकार पर। वियोजन अभिक्रियाएं तीन प्रकार होते हैं। नंबर एक प्रकार पर प्रकाश डालते हैं उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। जैसे उष्मीय वियोजन, नाम से मतलब जब वियोजन अभिक्रिया उष्मा के द्वारा हो, मतलब जब किसी पदार्थ का बंटवारा किसके द्वारा हो, उष्मा के द्वारा हो, तो उसे कहते हैं उष्मीय वियोजन। जैसे कहने वाला विद्युत एग्जाम्पल, NaSCO3 को गर्म कर दीजिए, तो ये गर्म करिएगा तो Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 में अपघटित हो जाएगा, तो ये क्या है उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। यानी कि वह जब किसी पदार्थ का वियोजन उष्मा द्वारा, यानी क्या लिख सकते हैं, जब किसी पदार्थ का वियोजन उष्मा द्वारा हो तो उसे उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे क्या होगा, इसको आपने गर्म किया ये टूट गया ऐसे, फिर होता है दूसरा ऐसे, यानी कि प्रकाश वियोजन, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। यानी कि प्रकाश वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, जैसे जब किसी पदार्थ का वियोजन सूर्य के प्रकाश के कारण होता है, किसके प्रकाश के कारण, सूर्य के प्रकाश के कारण होता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे जैसे आप AgCl सिल्वर क्लोराइड को सूर्य प्रकाश रख दीजिए, सूर्य के प्रकाश में, जब सूर्य के प्रकाश में रखिएगा तो Ag अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा, Cl2 बैलेंस करने के लिए दो से गुणा कर, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर और क्लोरीन नाम भी लिख सकते हैं, है ना। इसको क्या कहते हैं, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। तीसरा ऐसे विद्युत वियोजन को अपघटन भी बोल सकते हैं, अपघटन बोल सकते हैं, विद्युत वियोजन अभिक्रिया। विद्युत वियोजन यानी कि मतलब जो है जब किसी पदार्थ का वियोजन विद्युत धारा द्वारा, यानी कि जब किसी पदार्थ का वियोजन किसके द्वारा, विद्युत धारा द्वारा हो तो उसे क्या कहते हैं,
विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब जैसे विद्युत वियोजन अभिक्रिया समझ सकते हैं, उदाहरण विद्युत वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, जैसे आप जो है जल का H2O का विद्युत वियोजन कीजिए, विद्युत वियोजन कीजिएगा तो विद्युत वियोजन कीजिएगा तो ये हाइड्रोजन में टूटेगा और प्लस ऑक्सीजन में टूटेगा, ठीक ना। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए, यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए, ये जल है और ये क्या है, हाइड्रोजन, क्या है, हाइड्रोजन, ऐसे। और ये हाइड्रोजन पता है कहाँ, एनोड पर जमा होता है, कहाँ, एनोड पर जमा होता है। और ये ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन ये कैथोड पर जमा होता है, क्या, कैथोड पर एकत्रित होता है, ठीक ना। तो आप जैसे और भी ले सकते हैं, पोटेशियम क्लोराइड, दूसरा एग्जांपल, पोटेशियम क्लोराइड के विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित करिएगा सेम तो के पोटेशियम में टूट जाएगा और प्लस Cl2 टूट जाएगा, बैलेंस कर दीजिएगा, यहाँ पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोरीन, और ये भी एनोड पर एकत्रित होता है, ये कैथोड पर एकत्रित होता है। अब इन लोग काहे एनोड कैथोड एकत्रित हो रहे हैं, इसको देखिए, जैसे देखिए ध्यान से, इनको हम क्या करते हैं, एक पात्र में रख लेते हैं, बर्तन, ये देखिए एक छड़ ये हो गया और एक छड़ ये हो गया, अब इसको हम क्या करते हैं, बैग, ये वाली ये पहला छड़ हो गया और ये मान लीजिए दूसरा छड़ हो गया, समझ लीजिए कैसे होता है, और यहाँ प्लस हो गया, ये क्या हो गया, माइनस, जो ये प्लस हो गया मतलब ये बैटरी है आपका, बैटरी है, बैटरी का प्लस सीधा, प्लस वाला थोड़ा बड़ा होता है, माइनस वाला छोटा होता है, ठीक ना। धारा जो बहता है प्लस से किधर बहता है, माइनस को, धारा किधर बहता है, प्लस से माइनस को, धारा, धारा मतलब आयन, इधर बहता है धारा प्लस से माइनस को, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन उल्टा चलता है, माइनस से किधर चलता है, इधर चलता है, माइनस इलेक्ट्रॉन इधर चलता है, यानी कि जो प्लस सिरा होता है उसको एनोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं, ऐसे। और जो माइनस सिरा होता है उसको कैथोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो माइनस सिरा होता है उस जो प्लस होता है इसको एनोड बोलते हैं और जो कैथोड होता है वो माइनस बोलते हैं, ठीक ना। अब जैसे पोटेशियम जो है एनोड पर, यानी कि पोटेशियम, देखिए यहाँ पे अब जब मतलब जो है आप डाल दिए KCl को, तो ये बेचारा टूट जाएगा, K पर प्लस और Cl पे माइनस। अब देखिए इसके पास इलेक्ट्रॉन कैसे भर रहा है, ऐसे ना, तो ये क्या हो जाएगा, K पर प्लस और Cl पे माइनस। तो देखिए इसके पास देखिए इलेक्ट्रॉन कैसे भर रहा है, धारा कैसे भर रहा है, ऐसे प्लस से माइनस, इलेक्ट्रॉन ऐसे भरेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा है, तो ये देखिए इधर चला जाएगा ऐसे, और इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है ये इधर चल जाएगा ऐसे, और यहाँ जाकर के ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और यहाँ जाकर ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो यानी कि थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है कि मतलब जो है ये कैथोड, मतलब जो है ये कैथोड पर जमा होंगे, क्या होंगे, कैथोड पर, और ये जमा होंगे एनोड पर, क्या होंगे, एनोड पर। देखिए क्योंकि Cl के पास Cl- माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसके पास, तो ये यहाँ जमा हो जाएगा और ये वाला यहाँ जमा हो जाएगा, ठीक ना। तो ये कैथोड पर जमा होगा प्लस वाला और माइनस वाला एनोड पर जाके जमा हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह समझ सकते हैं।